नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट से आज फिर बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को बड़ा झटका लगा है। रामदेव ने लाख हाथ जोड़े, माफिया मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, हम अंधे नहीं हैं। कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए उनकी माफी सिरे से खारिज कर दी और कहा, हम इतने उदार नहीं होना चाहते। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इस केस में केंद्र के जवाब से भी संतुष्ट नहीं है। रामदेव और बालकृष्ण ने 9 अप्रैल को दूसरा माफीनामा पेश किया था, कोर्ट ने उसे भी नामंजूर कर दिया है। कोर्ट ने अब पतंजलि ग्रुप को चेतावनी दी है कि वो अगली कार्रवाई के लिए तैयार रहें, क्योंकि समाज में सही संदेश जाना जरूरी है। 2 अप्रैल को पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में सुनवाई करते हुए जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने पतंजलि ग्रुप को कड़ी फटकार लगाते हुए आज की तारीख दी थी। और आज जब सुनवाई हुई तो बेंच ने वकीलों को फटकारते हुए कहा कि जब हम अवमानना करने वालों से बात कर रहे हों तो बीच में ना आया करें, क्योंकि कार्रवाई शुरू होते ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उन्हें बिना शर्त माफी मांगने की सलाह दी थी। इसके जवाब में जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि हम उनकी माफी से संतुष्ट नहीं हैं और न ही किसी की सिफारिश में विश्वास करते हैं। आपको बता दें, आज होने वाली सुनवाई से एक दिन पहले योग गुरु बाबा रामदेव मान चुके थे कि उन्होंने IMA के खिलाफ दुष्प्रचार किया है। रामदेव ने ये भी माना था कि भ्रामक विज्ञापन मामले में उनसे गलती हुई है। नए हलफनामे में कोर्ट में रामदेव ने लिखा, मैं विज्ञापनों के माफीनामे के संबंध में बिना शर्त माफी मांगता हूं। मुझे अपनी गलती पर अफसोस है और मैं अदालत को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसे दोहराया नहीं जाएगा। 21 नवंबर 2023 को कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर भी मैं माफी मांगता हूं। मैं हमेशा कानून और न्याय की गरिमा को बनाए रखने का वचन देता हूँ। इससे पहले 2 अप्रैल की सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और उनके वकील को कड़ी फटकार लगाते हुए पतंजलि ग्रुप की एक एक गलती के बारे में विस्तार से बताया और कहा, अब बात माफी से नहीं बनेगी। आपने न सिर्फ कोर्ट की अवमानना की है, बल्कि कोर्ट के आदेशों की प्रेस में धज्जियां उड़ाते हुए तमाम सीमाएं लांघ दी हैं। इसके बाद कोर्ट ने पतंजलि ग्रुप को 10 अप्रैल की तारीख देते हुए कोर्ट में पेश रहने के आदेश दिए थे। आपको बता दें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ दुष्प्रचार किया है और अपनी आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा भी किया है। इस मामले में सुनवाई के दौरान 21 नवंबर 2023 को जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा था, पतंजलि को अपने सभी भ्रामक दवाओं वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। लेकिन फिर भी पतंजलि अपनी वही गलतियां दोहराता रहा, कोर्ट के आदेशों की प्रेस के सामने धज्जियां उड़ाता रहा। इसी बात से कोर्ट का भी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा और अब नतीजा सबके सामने है। इतनी गलतियां करने के बाद रामदेव कोर्ट के सामने सिर झुकाए खड़े हैं, लेकिन अब कोर्ट उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। हालांकि रामदेव ये मान चुके हैं कि उन्होंने IMA के खिलाफ दुष्प्रचार किया है और लोगों को गुमराह करने के लिए भ्रामक विज्ञापन चलाए हैं, लेकिन अब उनका ये कबूलनामा उनके ही गले की फांस बन सकता है। अब देखना यह होगा कि अगली तारीख पर कोर्ट रामदेव को उनकी गलती की क्या सजा सुनाती है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।